कहां जा रही हो तुम? अपने घर जा रहे हैं जिंदल साहब, अपने पापा के पास। एक मिनट कुटन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये भी तुम्हारा घर है ना कुटन? और इस हालत में तुम इस हालत आप ही की देना है जिंदल साहब। अभी झूठी फिक्र जताकर हमारा और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। कुटन मेरी बात तो समझो ना, मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैंने जो भी किया है कुटन, इस बच्चे की कसम है आपको जिंदल साहब, आप ना ही हमें रोकेंगे और ना ही हमारे रास्ते में आएंगे। और अगर आपने ऐसा किया ना जिंदल साहब, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ना ही हमें रोकेंगे और ना ही हमारे रास्ते में आएंगे। और अगर आपने ऐसा किया ना जिंदल साहब, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं सच कह रहा हूं मां, मैंने जो कुछ भी किया वो कुट्टन और मेरे होने वाले बच्चे के लिए किया। मां मैं कुट्टन को धोखा कैसे दे सकता हूं? आप जानती है ना मैं उससे कितना प्यार करता हूं। जानती है तो कुट्टन भी है मां, लेकिन आज न जाने क्यों उसे मेरी किसी भी बात पर यकीन हो ही नहीं रहा। समझाऊं भी तो कैसे, वो सुनने को तैयार ही नहीं। इतना बड़ा होके बच्चों की तरह रो रहा है। आ मैं तुझे अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। हुआ यूं कि एक बार दिल और दिमाग, जो एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, तो एक दिन उन दोनों में इस बात पर कहा सुनी होगी कि कौन किसको कितना प्यार करता है। बात बढ़ती बढ़ती झगड़े में बदल गई। दिल अपनी जगह पे अड़ा रहा और दिमाग भी बार बार उसे अपनी बात समझाने लगा। अब दिमाग ने देखा कि नहीं, बातें बहुत हो गई, अब तुम्हें प्यार जताकर ही समझाना पड़ेगा। उसने अपने अंदर से सारी चीजें मिटा दी, सिर्फ और सिर्फ दिल को जगा दी। और उधर दिल भी अपने प्यार का सबूत देने के लिए दिमाग से ही प्यार करता रहा। दिल ने दिमाग को भरोसा दिलाने के लिए कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसने धड़कना ही बंद कर दिया। कौन किसको ज्यादा प्यार करता है इस बेकार की जंग में दोनों की और उनके प्यार की मौत हो गई। देख बेटा, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, उसको चोट भी पहुंचाते हैं। मुद्दा चोट का नहीं, उसे ऊपर उठकर अपने प्यार को बरकरार रखने का है। लल्ला तो गुटन को बहुत प्यार करता है ना? बहुत प्यार करता हूँ। और तू चाहता है कि तेरा बच्चा अच्छी जिंदगी व्यतीत करे। बेटा तेरा इरादा गलत नहीं था, और तेरा तरीका गलत था। गुटन को दुख से बचाने के लिए तूने उसका भरोसा तोड़ा है बेटा। अब जैसे प्यार के लिए भी वक्त लगता है, ऐसे भरोसे को जीतने के लिए भी वक्त लगता है लल्ला। और बेटा
भरोसा जैसी चीज टूटने के लिए ही होती है, ताकि इसको दोबारा जोड़ा जा सकते। वो बदल जरूर जाएगी, पर ये बदलाव जिंदगी की रीत है ना लल्ला। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे के बगैर कभी नहीं रहे, और अब भी एक दूसरे के बगैर नहीं रहोगे। लल्ला, वक्त लगेगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, समझ गया। गुड्डन को जितना वक्त चाहिए मैं उसे देने के लिए तैयार हूं, पर मैं बस इतना चाहता हूं कि गुड्डन ठीक रहे, हमारा होने वाला बच्चा ठीक रहे। डॉक्टर ने भी तो उससे यही कहा था, इस हालत में बिल्कुल भी स्ट्रेस, तनाव, परेशानी कुछ नहीं लेगी वो। फिर भी आपने देखा कैसे मुझे मेरे ही होने वाले बच्चे की कसम देकर हमें छोड़कर अपने घर चली गई। लल्ला, बच्चे को जब बहुत दर्द होता है ना, तो सबसे पहले उसको अपने माँ बाप की याद आती है। गुड्डन अपने पापा के पास गई है, तू चिंता मत कर, वहाँ सब लोग उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है माँ। Congratulations, Mr. Jindal. Gudan maa banne wali hai. Hamara bachcha Gudan. And I promise you, Gudan, hamare us hone wale baby ke liye main world ka best papa banke dikhaunga. Dekho, dekho, main janta hoon ki hogi to hamari gudiya hi. Aur agar hamari gudiya ko maa ke saath time spend karna zyada acha lagega, to usme to mera double fayda hai na. गुड्डन, हम अंतरा को जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है, वो बेकसूर है। ये डोर जिसे हम अटूट समझते थे ना, असल में बहुत ही कमजोर थी। तुम्हारे इसी गुस्से को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करूंगी, तुम्हें और अक्षत को इतना दूर कर दूंगी कि साथ में होना तो बहुत दूर की बात है, उसकी उम्मीद करना भी भूल जाओगी तुम। काश मैं तुम्हें लॉर्ड कृष्णा के पास भेज सकती, कितना मजा आता ना। मतलब तुम्हें जो भी मांगना होता तुम डायरेक्टली मांगती, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती पुत्र। क्या है ना, अगर तुम इस दुनिया से चली गई तो मेरे लाइफ का मसाला खत्म हो जाएगा ना, समझ रही हो तुम? सुन रही हो? तुम मर जाओगी तो नहीं चलेगा मुझे यार, क्योंकि तुम्हें पल पल मारने में जो मजा है ना, वो डायरेक्ट मारने में नहीं। अच्छा चलो, बहुत बातें होगी, अभी ना मैं तुम्हें एक और सरप्राइज दिखाती हूँ, नेक्स्ट सरप्राइज। ओके, कम ऑन।
देखिए, आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपको इंटरनल बहुत चोटें आई हैं। अगर हमने इमीडिएट ऑपरेशन नहीं किया तो होने वाले बच्चे को खतरा हो सकता है। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से हमारे बच्चे को बचा लीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें आपकी जान को भी खतरा है। कुछ होता है तो होने दीजिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। जिंदा साहब से वादा किया, आप प्लीज जिंदा साहब को बुलाइए ना। हम आपको जानते हैं गुड्डन जी। देखिए, इस समय ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम मिस्टर जिंदल का वेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, विल डू आवर बेस्ट। ये एक फॉर्म है जो ऑपरेशन से पहले आपको साइन करना होगा। इसमें ये लिखा है कि ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो हॉस्पिटल उसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, रूल है, सो डोंट वरी। ये आप साइन कर दीजिए। गुड्डन अभी तक आपके यहाँ पहुंची नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? गुड्डन यहाँ आने वाली थी, लेकिन दामाद जी मेरी तो गुड्डन से ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। हेलो हेलो दामाद जी, क्या हो गया? दामाद जी आपके और गुड्डन के बीच सब ठीक तो है ना? कहाँ चली गई मेरी गुड्डन? अरे गुड्डन आओ ना। वहाँ खड़ी क्यों? अरे सॉरी पापा, वो गुड्डन वॉक पे गई थी और मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि आपसे मिलने गई है। मैं कंफ्यूज हो गया, रियली सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया, सॉरी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दामाद जी, आप गुड्डन से इतना प्यार जो करते हैं तो चिंता होना भी लाजमी है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप दोनों की जोड़ी को हमेशा खुश रखे। मैं रखता हूँ दामाद जी, और गुड्डन को मेरा प्यार दीजिएगा। जरूर, थैंक यू। ओके पापा, बाय। लल्ला, भूषण जी से झूठ बोल रहा है तू? और करता भी क्या माँ, अगर उन्हें सच बता दूंगा तो वो भी मेरी तरह यूं टेंशन में पागल हो जाएंगे। और गुड्डन भी तो देखिए ना, एक बार कुछ ठान लेती है तो बिना समझदारी के, बिना किसी लॉजिक के कहीं भी निकल पड़ती है। अब मैं कहाँ जाके ढूंढूं उसे माँ, कहीं गुड्डन को कुछ, हमारे होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो माँ? डॉक्टर ने भी कहा था ना उससे कि उसे इस हालत में स्ट्रेस नहीं लेना है, फिर भी जब जिद में आती है तो किसी के बारे में नहीं सोचती माँ, देखो कहीं भी निकल पड़ी है। तू चिंता मत कर बेटा, वो गुड्डन है, गुड्डन कहीं नहीं जाएगी, हम ढूंढ लेंगे ना उसे, है ना? क्या हुआ? ढूंढने की बात किसे ढूंढ रहे हैं? ओके गुड्डन, गुड्डन जाने। लल्ला सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे। नहीं दादी, 24 घंटे पहले पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखवाएगी, हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा सासू माँ को। हेलो हेलो मिस्टर जिंदल, मैं इंदौर हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, आपकी वाइफ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया जा चुका है। What? गुड्डन हॉस्पिटल में? क्यों? क्या हुआ है? आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। हेलो हेलो, अरे ठीक से मेरे खेल की शुरुआत भी नहीं हुई और इनकी हालत टाइट हो गई। अभी तो बहुत झटके मिलने हैं तुम लोगों को, कमर कस लो, क्योंकि इस बार मेरी प्लानिंग फेल नहीं जाने वाली। Excuse me, my wife, गुड्डन जिंदल, कहाँ है वो? ठीक है कि नहीं? One minute sir, one minute. थोड़ा जल्दी चेक कीजिए ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? सर आपकी वाइफ वार्ड नंबर 8 में। All right. कैसा फील कर रही हैं आप? देखिए कुछ दिन वीकनेस रहेगी, नथिंग टू वरी। सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और आपके कहने पर हमने आपका अबॉर्शन कर दिया है गुड्डन जी। मतलब क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अबॉर्शन किसके कहने पर किया तुमने? किसने कहा था तुम्हें अबॉर्शन करने को? किसके कहने पर किया? जवाब दो मुझे, किसका अबॉर्शन किया है तुमने? मिस्टर जिंदल, मुझ पर भड़कने से क्या होगा? गुड्डन जी की अनुमति से ही हमने ये अबॉर्शन किया।
अबॉर्शन? बकवास कर रहा तू? हमने कब कहा तुम्हें अबॉर्शन करने को? और हम क्यों अपना बच्चा गिराएंगे? हाँ क्यों गिराएंगे हम अपना बच्चा? लेकिन आपने ही तो जिद पकड़ी थी कि आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दिया है और आप इस बच्चे को नहीं चाहती। सब ये झूठ बोल रहा है। हमें बहुत अच्छे से याद है, हम यहाँ आए थे, हमारा एक्सीडेंट हुआ था, इसने हमें कहा था कि हमारे बच्चे की जान खतरे में है, कहा था ना तुमने? और फिर वो कुछ हॉस्पिटल के रूल्स बुक पर साइन, वो फॉर्म पर साइन करवाया था। क्या बोल रही हैं आप? कैसा एक्सीडेंट? अरे आप तो अपने पैरों पर चलकर आई थी हमारे यहाँ। सब झूठ बोल रहे हैं जिन्हें, सब हम नहीं जानते ऐसे क्यों बोल रहे हैं। इसने हमसे खुद फॉर्म पर साइन करवाया था और बताया था कि तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में है, और हमने साइन भी किया था ना। कौन सा अबॉर्शन, कैसा अबॉर्शन, क्या बात कर रहे हो तुम? प्लीज प्लीज गुड्डन जी, आप ये बेबुनियाद इल्जाम हम पर लगा रही हैं। अरे अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो कहां है चोट के निशान? देखिए बताइए आप। बेचारी गुड्डन कितना बौखला गए है असल के एक्सीडेंट में और एक्सीडेंट के एहसास होने में फर्क नहीं देख पा रहे। अभी तो चक्रव्यूह शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। सभी इंसान झूठ बोल रहा है, हमारा यकीन कीजिए, कुछ भी बोले जा रहा है। हमारा बच्चा, मुझे भरोसा है तुम पर। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी गुड्डन कभी ऐसा करती है। झूठ क्यों बोल रहा है जनता, हमारा बच्चा। बता डॉक्टर, बता कि सच क्या है। सच बता मुझे, वरना तेरा वो हाल करूंगा मैं कि तेरे अपने हॉस्पिटल में तेरा इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। जवाब दे। मिस्टर जिंदल आपको मेरा विश्वास नहीं है? अरे आप फॉर्म चेक कर लीजिए, गुड्डन जी ने साइन किया है उस फॉर्म पर। नर्स फॉर्म लेकर। देखिए चेक कीजिए, साइन देखिए किसके। ऑपरेशन के बहाने तुमसे अबॉर्शन पेपर्स पर साइन करवा लिए हैं गुड्डन, अब क्या सफाई दोगी? कैसे साबित कर पाओगी कि तुमने खुद इन पेपर्स पर साइन नहीं किया? ये फॉर्म, ये वो फॉर्म नहीं है जिंदा सर। हाँ ये साइन झूठी होगी, ससुर ने नहीं किया है ये। वो पेपर का जिस पर तुमने हमसे साइन करा था, ये हमने नहीं। सच बताओगे क्या हुआ है? मैं जानता हूँ गुड्डन कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ मुझे तुम पर भरोसा है, झूठे सिग्नेचर तो कोई भी कर सकता है। हाँ। मैं जानता हूँ कि ये सब इस डॉक्टर का किया था। बोल, जवाब दे, किसके कहने पे तूने ये अबॉर्शन किया है डॉक्टर? बोल। सचिंदल आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। गुड्डन जी मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं, और क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं आप? बताइए सचिंदल, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, इन डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा नहीं है, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज पर तो भरोसा है ना? मैं आपको वो फुटेज दिखाऊंगा। नर्स सिक्योरिटी को बोलो कि फुटेज अरेंज करो। दुर्गति ये सब क्या हो रहा है? ये डॉक्टर सासुमा के खिलाफ सबूत पे सबूत पेश किए जा रहे हैं। मैं नहीं जानती क्या हो रहा है, पर जो भी बोलो गुड्डन सासू मां ऐसा कभी नहीं कर सकती। गुड्डन सासू मां, मान गए अंतरा जी को, असल मायने में तो असली सास यही है। ना जाने कहां से ये नए नए तरीके निकालती रहती हैं। 1760 राक्षस मरे होंगे ना, तब जाके ये पैदा हुई होंगी।
दुनिया जहान का पैसा कमा लिया, लेकिन इतना नहीं जानते ये बेवकूफ लोग कि सीसीटीवी फुटेज में चेहरा बदलना कितना आसान है। हॉस्पिटल चलकर मैं आई थी और चेहरा गुड्डन का चीर दिया। चिल्लर पर कॉलेज के बच्चे करते हैं आजकल तो ये सब टेक्नोलॉजी। इसी नफरत को शिद्दत से निभाने के लिए थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ता है ना।